देखिए कैसे रिंकू सिंह ने जड़ा जोरदार छक्का, टूट गया मीडिया बॉक्स का शीशा। तो दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मुकाबलों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के दूसरे मैच में धुआंधार पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऐसे में इस पारी के दौरान बाएं हाथ के बैटर ने एक ऐसा छक्का जड़ा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। रिंकू के लगाए इस छक्के ने मीडिया बॉक्स का शीशा तोड़ दिया। उनका यह सिक्सर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। खास बात यह है कि ये दोनों छक्के उन्होंने 19वें ओवर में लगातार लगाए। इसमें से एक छक्का मीडिया बॉक्स के शीशे पर जा लगा जिससे शीशा टूट गया। पारी खत्म होने के बाद कमेंटेटर भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। रिंकू के दोनों छक्कों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अगर मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित सीरीज के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में मेजबान टीम के कप्तान एडन मार्शल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। भारतीय पारी के आखिरी ओवर में बारिश ने खलल डाला और टीम की पारी वहीं पर समाप्त हो गई। डकवर्थ लुईस नियम के तहत दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 15 ओवर में 152 रन का लक्ष्य मिला। प्रोटियाज टीम ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।